जेजेपी प्रत्याशी स्वाति यादव के साथ। जी हां, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से जेजेपी प्रत्याशी स्वाति यादव लगातार लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। इस सीट से बीजेपी के धर्मवीर सिंह मैदान में हैं, तो कांग्रेस की श्रुति चौधरी भी सब पर भारी पड़ रही हैं। स्वाति यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कमल कौशिक ने, आइए सुनते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से जेजेपी की प्रत्याशी स्वाति यादव हमारे साथ मौजूद है। चुनाव पर चर्चा कर लेते हैं, किस तरह की तैयारी पहले थी और अब तक किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल चुका है? जी देखिए, आज आप देख सकते हैं, अभी जिस पिछले गांव में हम गए थे, द्वारका गांव में, हमें हर जगह इसी तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमें भारी तादाद में लोग हमसे जुड़ रहे हैं और महिलाएं जो है, भारी तादाद में महिलाएं हमसे जुड़ रही हैं, यूथ जो है हमसे भारी तादाद में जुड़ रहा है। देखिए, आजकल एक जरिया नहीं है लोगों से जुड़ने का, सोशल मीडिया भी एक जरिया है, ऑनलाइन आप लोगों से जुड़ सकते हैं, तो फेसबुक के जरिए, ईमेल्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए जो है बहुत सारे यूथ मुझसे जुड़ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और आशा रखती हूँ कि अब देखिए बिल्कुल 2-3 दिन बचे हैं, तो आशा रखती हूँ ऐसा ही रिस्पॉन्स आगे भी मिलता रहे, ताकि हमारी जीत जो है पक्की पे पक्की होती रहे दिन पर दिन। विदेशों में रहने वाली स्वाति यादव करोड़ों की तनख्वाह ले सकती थी, जितने पढ़ाई आपने की है, लेकिन राजनीति का रास्ता क्यों चुना गया है? देखिए, करोड़ों की मैं तनख्वाह ले रही थी जब मैं विदेश में थी, और राजनीति का रास्ता इसलिए चुना क्योंकि देखिए, हमेशा जब छोटी से थी तब से पिताजी ने यही सिखाया कि हमेशा अपनी कम्युनिटी को आगे रखिए, हमेशा अपने लोगों को आगे रखिए। तो विदेश में थी, अच्छा काम कर रही थी, पर हमेशा ये दिमाग में ये सद्भावना थी कि कभी ना कभी वापस आना है और अपने लोगों के लिए काम करना। फैसला किसका था, आपका खुद का या परिवार का? देखिए, खुद का ही फैसला था, पर यह है कि देखिए, परवरिश तो आपका परिवार ही आपकी करता है, तो जो मैं सिर्फ अपने माता पिता की बात नहीं कर रही, पर एक्सटेंडेड परिवार की भी अगर बात करती हूँ, तो देखिए, हमेशा बचपन से यही सिखाया गया है कि हमेशा अपने लोगों को आगे रखना है, अपने प्रदेश को आगे रखना है, अपने देश को आगे रखना है। तो विदेश में पढ़ाई करने ज़रूर गई थी, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर हमेशा से जो है अपने प्रदेश को आगे रखा है, और देश जो है वो सर्वोत्तम हम अपना देश ही है। नैना चौटाला जी से मेरी बात हुई थी और खबरें तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि हमने हरी चुनरी चौपाल में आपको पिक किया, मतलब उन्होंने ये कहा, तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि हरी चुनरी चौपाल में आप जाते थे और वहाँ नैना चौटाला की नज़र आप पर पड़ी, और आप में क्या ऐसा खास देखा जब आपकी बातचीत हुई उनसे कि आपको क्यों चुना गया जेजेपी की तरफ से? जी देखिए, जब मैं विदेश से वापस आई तो मैं अपने पिताजी से बात करती थी कि मुझे विमेन कॉन्फ्रेंसिंग इवेंट्स अटेंड करवाएं, क्योंकि मुझे ऑनलाइन के ज़रिए तो एटलीस्ट कोई ऐसा विमेन कॉन्फ्रेंसिंग या विमेन नेटवर्किंग इवेंट नहीं मिला। तो मुझे पिताजी ने बताया कि नैना चौटाला जी जो हैं एक बहुत ही बड़े लेवल पे इस तरह से इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें भारी तादाद में औरतें आती हैं, अपने मुद्दों को डिस्कस करती हैं, तो उसके ज़रिए जो है मुझे नैना चौटाला जी से मिलने का भी जो है मौका मिला, उनसे बातचीत करने का मौका मिला। तो एक अच्छे उद्देश्य के साथ देखिए आज निकल रहे हैं, और यही कहना चाहती हूँ, जब भी आप जेन्युइन बात को लेकर आप किसी से भी बात करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगी कहीं ना कहीं, और लोग जो हैं आपसे जुड़ेंगे। श्रुति चौधरी से आपकी सीधे टक्कर है या धर्मवीर सिंह से है, किसको लेकर आपको लगता है कि टक्कर है आपकी? देखिए, मैं दोनों से ही अपनी टक्कर नहीं मानती, और उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। देखिए, दोनों एक एक बार सांसद रह चुके हैं। चौधरी धर्मवीर जी का तो खुद ही कहना था, देखिए मैं उनको कुछ नहीं कह रही हूँ, उनका खुद ये कहना था कि मैं नाकारा हूँ, मैं जो करना चाहता था मैं नहीं कर पाई। ये वीडियोज़ वायरल हैं, ये आई एम नॉट मेकिंग इट, मतलब अपने मन से मैं नहीं बना कर कह रही हूँ, ये देखिए उनका खुद का कहना था। आप ये सोचिए, अगर आप एक गरीब व्यक्ति हैं जो आप गाँव में रहते हैं, आप किसी तरह से आप जाते अपने सांसद से मिल के, ऐसी उम्मीद लेकर के आप जाएंगे, अपनी परेशानी उन्हें बताएंगे और वो आपको कोई समाधान देंगे, इसकी बजाय आपका सांसद आपको ये बताता है कि भाग जाओ यहाँ से, मैं तो बनने लायक हूँ नहीं और मैं तो करने लायक नहीं हूँ, तो आप, मैं नहीं टक्कर मानती इन लोगों से। श्रुति को लेकर क्या कहेंगे? श्रुति चौधरी जी भी एक बार सांसद रह चुकी हैं, अगर तो शाम की ही बात करें, हमने तो शाम के भी दौरे किए, घर घर में पानी की दिक्कत है, उनकी माता जी तो जो वाटर मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, और जबकि वो अपने काम पर वोट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपने काम पर वोट मांग रहे हैं, और आप विदेश से आए, आप हर गांव में घूम रहे हैं, यही समस्या है लोगों की आज भी? देखिए, समस्याएं यूं की यूं हैं, आप मैनिफेस्टोज उठा के देखिए, बीजेपी का मैनिफेस्टो उठाइए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, इतनी वेग बातें करते हैं कि दुगनी कर देंगे आए, कहाँ से आप दुगनी कर देंगे? देखिए, आप एक बार मंडी में जाकर देखिए, आपको मंडी में जाएंगे आपको पता चलेगा कि लोगों के सरसों बिक ही नहीं रही, यूं की यूं दरी पड़ी है, तो उसका आप अगर आप जीरो कमा रहे हैं, आप उसको 2 times कैसे कर देंगे, क्या कर देंगे? तो बहुत ही बोगस बात है। देखिए, हमारी पार्टी की अच्छी बात यह है कि हम लोग ग्राउंड लेवल के लोग हैं, आप हमारे किसी भी कार्यकर्ता से बात करिए, किसी भी आप जिला प्रधान से बात करिए, जिला सचिव से बात करिए, वो आपको ग्राउंड लेवल की रियलिटी बताएंगे कि असलियत क्या है।
लेकिन धर्मवीर सिंह तो मोदी के नाम के वोट मांग रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमने काम किया, कांग्रेस वाले श्रुति चौधरी कह रही हैं, आप किस नाम पे वोट मांग रहे हैं? देखिए मैं अपनी काबिलियत के नाम पर वोट मांग रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया, देखिए मैं 10 साल जो है विदेश में रहने का मौका मिला, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने का मौका मिला, तो उसके ज़रिए टेली कम्युनिकेशन में काम किया। मुझे ये पता है कि अपने गाँव में जो है स्मार्ट विलेजेस कैसे लाना है, कैसे वाईफाई लाना है, कैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी लानी है, जो कि आज के यूथ को हमारे चाहिए। आज आप देखिए, आप गाँव में निकलिए, हर किसी के हाथ में आपको स्मार्टफोन दिखाई देगा। तो लोगों को आज चाहिए टेक्नोलॉजी। मैंने स्वास्थ्य की सेवाओं में काम किया है, ओबामा केयर पे काम किया है, तो मैं एग्जैक्टली समझती हूँ कि जो बुजुर्ग हमारे परेशान होते हैं, जब उनको कैंसर या हार्ट के डॉक्टर से मिलना होता है, स्पेशलिस्ट से मिलना होता है, उनको दूर दूर जाना पड़ता है, तो मैं ये समझती हूँ कि किस तरह से स्वास्थ्य की सेवाएं हम अपने गाँव में ला सकते हैं। शिक्षा में काम करने का मौका मिला है, तो मैं ये बखूबी समझती हूँ कि किस तरह से शिक्षा के स्तर को बेहतर करना है। तो आज देखिए, आप जिस अपनी जनता से भी मैं यही कहना चाहूँगी, अपने लोगों से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, झूठे बहकावे में मत आइए। एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो ग्राउंड लेवल पे अंडरस्टैंड करके आप लोगों के लिए काम कर सके। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनते रहेंगे जो मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, या अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो कि बंसीलाल जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अपने पिताजी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो वो कोई काम तो नहीं है। आप काम के नाम पर वोट मांगने का काम करिए। आपने क्या काम किया है, क्या प्रूव किया है आपने? यानी स्वाति यादव इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से कहती नजर आती है कि अपने कैंडिडेट को देखिए, उसमें काबिलियत क्या है और क्या मुद्दे उठाता है, ना कि बेवजह के मुद्दों को लेकर राजनीति में आ रहे हैं और वोट मांग रहे हैं।